रीवा जिले के वृत्त मऊगंज के अंतर्गत नई गढ़ी जायसवाल बस्ती एवं ग्राम हरदी नंबर 1 में अवैध मदिरा निर्माण के विरुद्ध आबकारी एवं पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार मऊगंज में अवैध मदिरा आसवन एवं विक्रय की लगातार मिलती शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश के बाद पुलिस अधीक्षक एवं सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा कार्य योजना बनाकर आबकारी विभाग रीवा का संपूर्ण स्टाफ एवं पुलिस लाइन से 1 से 4 का गार्ड लेकर अल सुबह 4:30 बजे से नई गढ़ी जायसवाल बस्ती एवं ग्राम हरदी नंबर 1 में बड़ी कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग को मुखबिरों से मिली सूचना के तारतम्य में सुबह सुबह छापा मारकर कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी सविता जायसवाल के मकान से 5 लीटर महुआ शराब और 800 किलोग्राम महुआ लाहन, अनीता जायसवाल के मकान से 320 किलोग्राम महुआ लाहन, राजकुमार जायसवाल के मकान से 360 किलोग्राम महुआ लाहन, प्रतिभा जायसवाल के मकान से 28 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब और 1200 किलोग्राम महुआ लाहन, मनीषा जायसवाल के मकान से 10 लीटर महुआ शराब एवं आशा जायसवाल के मकान से 120 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद हुआ। उक्त कार्रवाई के पश्चात संयुक्त दल द्वारा ग्राम हरदी नंबर 1 में कार्रवाई की गई, जिसमें संगीता साकेत के रिहायशी मकान से 10 लीटर कच्ची मदिरा, राधा साकेत के रिहायशी मकान से 40 किलोग्राम महुआ लाहन, सुशीला साकेत के रिहायशी मकान से 160 किलोग्राम लाहन एवं ललई साकेत के मकान से 120 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधित 2000 की धारा 34(1) का एवं 4 के तहत प्रकरण कायम किए गए हैं। वो वाले हलाल है।